छिंदवाड़ा में लॉकडाउन के चलते ग्रामीणों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए ग्राम पंचायत ने ग्रामीणों को खाद्य सामग्री बांटी और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की सलाह दी। ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान ग्रामीणों को परेशानी न हो, इसके लिए ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा ग्रामीणों की सहायता की जा रही है। परासिया विधानसभा के सिरगोरा ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सचिव सुशील शुक्ला ने जरूरतमंदों को खाने की सामग्री बंटवाई और लोगों को घर पर रहने की सलाह दी। मजदूरी करके अपना पेट भरने वालों को इस समय किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए सचिव ने सभी के भोजन की व्यवस्था की। शुक्ला ने गांव के लोगों को कोरोना से बचने के उपाय भी बताए। मार्च से लगातार पूरे देश में लॉकडाउन चालू है, जिससे जो गरीब परिवार हैं, दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हैं, जिन्हें खाने की बहुत समस्या थी, तो शासन के निर्देशानुसार प्रति पंचायत हमें 30,000 रुपये ऐसे परिवारों को जो अभी भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा था उन्हें बांटने का आदेश आया था। 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक ग्राम पंचायत की राशि 30,000 से हमने ऐसे 60 परिवारों को राशन वितरित कर दिया था, परंतु लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के कारण शिवपुरी एक बहुत बड़ी पंचायत है जिसकी आबादी लगभग 10,000 है, तो अभी भी लगभग 200 से 300 परिवार ऐसे बचे हैं जिनके पास आज के समय में खाने के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।